अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एलिजाबेथन पोइट्री एंड एलिजाबेथन प्रोज। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि मैंने ऑलरेडी इस एज के ऊपर इन डिटेल लेक्चर्स बना रखे हैं डिफरेंट, जैसे मैंने एज को पहले डिफाइन किया है, मैंने इसके ऊपर करेक्टरिस्टिक्स को बताया है, फिर मैंने एलिजाबेथन ड्रामा के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, शेक्सपियर और यूनिवर्सिटी विट्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप पहले उसको लाजमी देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि इस तरह ये होगा कि इससे आपकी जो एज है वो सीक्वेंस में चलेगी। तो अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एलिजाबेथन पोइट्री की। रेनेसा टाइम पीरियड के अंदर ना जो पोइट्री थी वो एक न्यू ट्रेंड की पोइट्री थी। इस एज की पोइट्री को पोइट्री ऑफ द न्यू एज ऑफ डिस्कवरी, एंथुसियाज्म और एक्साइटमेंट की पोइट्री माना जाता था। 1557 की बात है कि एक वर्क है, उसका नाम है टोटल्स मिसलेनी, इसकी पब्लिकेशन हुई थी। इसी की पब्लिकेशन से जो रेनेसन की पोइट्री थी ना, रेनेसा की, वो पोइट्री स्टार्ट होती है। अच्छा, जो वर्ड है ना, ये रेनेसा भी होता है, रेनेसेंस भी होता है। ये जो टोटल्स मिसलेनी है ना, इसके अंदर कलेक्शन है किसका, एक हेनरी हॉवर्ड का, एक अर्ल ऑफ सरे का, एक थॉमस वाइट का, इन तीनों के जो वर्क्स की कलेक्शन है ना, वो इसके अंदर प्रेजेंट है। इस बुक का जो ओरिजिनल टाइटल था ना, वो था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इसके अंदर 271 पोइम्स हैं टोटल। ये फर्स्ट एंथोलॉजी है जो कि इंग्लिश में पब्लिश हुई थी। एंथोलॉजी किसे कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं अ पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ पोइम्स और अदर पीसेज ऑफ राइटिंग्स। और इस वर्क को ना पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म के अंदर लिखा गया था। पेट्रार्कन सोनेट क्या होती है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर डिटेल से बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप उस लिंक के थ्रू पेट्रार्कन सोनेट को, शेक्सपियरियन सोनेट को और व्हाट इज सोनेट, उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो में आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि पेट्रार्कन सोनेट होता क्या है। ये 14 लाइंस की सोनेट होती है, जिसके अंदर जो राइम स्कीम है ना, वो ABBA ABBA होती है। ये राइम स्कीम जो है ये ऑक्टेव की होती है, मीन्स फर्स्ट 8 लाइंस की। फिर बाकी की लाइन की जो राइम स्कीम होती है वो होती है CDC CDC। टोटल लाइंस कितनी है? 14, उनमें से फर्स्ट 8 ऑक्टेव, नेक्स्ट 6 जो हैं वो सिस्टेट। ये जो 8 होती हैं ये ओपनिंग लाइंस होती हैं, जिसके अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है। ये 6 जो होती हैं ये सिस्टेट होती हैं, जो कि लास्ट लाइंस होती हैं, जिसके अंदर उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को बताया जाता है, फिर क्वेश्चन के आंसर दिया जाता है। और इस ऑक्टेव की जो राइम स्कीम होती है वो होती है ABBA ABBA दो दफ़ा, ठीक है। और जो इसकी सिस्टेट की जो राइम स्कीम होती है वो होती है CDC DCD या फिर CDE CDE, ठीक है। इन दोनों पैटर्न में से कोई भी पैटर्न को फॉलो किया जा सकता है। तो ये जो पैटर्न है बेसिकली पेट्रार्कन सोनेट का पैटर्न है। और वाइट और सरे, इन दोनों का जो मोस्टली वर्क था ना, वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रार्कन सोनेट पे बेस्ड करता था। फिर इसी सोनेट के मॉडल को ना शेक्सपियर ने भी अपनी राइटिंग में यूज़ किया था, लेकिन उसने एक न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम शेक्सपियरियन मॉडल रखा गया। और उस मॉडल में शेक्सपियर ने कैसी राइम्स की यूज़ की, उसने अपने जो उसका पैटर्न था उसको क्वार्टरेन में डिवाइड किया, यानी कि 3 क्वार्टरेन थे, यानी कि 3 सेंटेंस ऐसा थे सेंटेंस था जिसके अंदर 4-4 लाइंस को यूज़ किया गया था, और लास्ट में कपलेट था। और उसकी राइम स्कीम थी ABAB, फिर नेक्स्ट की थी BCDC, फिर उससे नेक्स्ट की थी EFEF, फिर नेक्स्ट में GG, ये राइम स्कीम थी। और इस स्कीम को हम लोग शेक्सपियरियन राइम स्कीम भी कहते हैं। और सोनेट क्या होता है, सोनेट के पैटर्न को आपने अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लास्ट में सोनेट वाली वीडियो देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आपकी आसानी के लिए। इसके अलावा रेनेसेंस पोइट्री के अंदर क्या हुआ था कि सरे था ना, अर्ल ऑफ सरे, इसने ब्लैंक वर्ड्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया था। और फिर रेनेसा टाइम पीरियड के अंदर मार्लो था जिसने इस ब्लैंक वर्ड्स को फर्दर डिवेलप किया था। और मार्लो के बाद शेक्सपियर था जिसने इस ब्लैंक वर्ड्स को परफेक्शन पे लेके गया था। इसके सारे के सारे वर्क जो है वो ब्लैंक वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। ब्लैंक वर्ड्स होता क्या है, मैंने इसके ऊपर भी डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको अप्रोच करके ये भी वीडियो लाजमी देखिएगा। इसमें मैं ज़रा सा ओवरव्यू दे दूँ कि ब्लैंक वर्ड्स वैसी पोइट्री होती है जिसके अंदर हमारे पास राइम स्कीम को तो फॉलो ना किया जाए, लेकिन उसके अंदर मीटर को फॉलो किया जाए। मीटर किसे कहते हैं? मीटर जो है ना स्ट्रेस अनस्ट्रेस पैटर्न को कहते हैं। एक लाइन के अंदर, एक वर्ड के अंदर बेसिकली दो सिलेबल हो ना, वो दो सिलेबल मिलकर एक मीटर बनाते हैं, यानी कि एक फुट। सिलेबल क्या होता है? वोवल साउंड होता है, जिसके अंदर जो अगर फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड हो, सेकंड स्ट्रेस्ड हो, इसको हम लोग कहते हैं आयम्बिक। और ये अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अगर एक लाइन के अंदर 10 सिलेबल आ जाए ना, जिसमें 5 अनस्ट्रेस्ड हो और 5 स्ट्रेस्ड हो,
तो उस लाइन को हम कहते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। तो ये जो आयम्बिक पेंटामीटर का पैटर्न था ना, ये एलिजाबेथन पोइट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। और सिंपली मीटर होता क्या है, मीटर के अंदर बेसिकली यही अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस पैटर्न को बताया जाता है, इन शॉर्ट द पैटर्न ऑफ द बीट्स। मैंने ऑलरेडी मीटर के ऊपर भी डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, और मैंने लेक्चर्स बनाए हैं इसलिए थे क्योंकि मैंने कहा था कि आगे जाके हमने एलिजाबेथन पोइट्री की बात करनी है, तो उस पोइट्री को बनाने से पहले, उसके ऊपर लेक्चर बनाने से पहले मैं इनके ऊपर लेक्चर बना देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। और मैं आपकी आसानी के लिए मीटर का, सोनेट का, ब्लैंक वर्स का जो लेक्चर है उसको इसके लिंक के, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं। आप उन लिंक्स के थ्रू इन लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप लाजमी वो सुनिएगा ताकि आपका ये प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट है एलिजाबेथन पोइट्री का वो अच्छे से क्लियर हो जाए इन डेप्थ। और कोई आपसे पूछे कि ब्लैंक वर्स क्या होता है, सोनेट क्या होता है, मीटर क्या होता है, आपको अच्छे से पता होगा। अच्छा, तो शेक्सपियर की मैं बात करती, शेक्सपियर के जो मतलब के सोनेट थी ना उसको एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसने जिस टाइम पे वो लिखी थी वो एलिजाबेथन एज चल रही थी, और इसने उस एज के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस किया था। बाकी मैं बात ब्लैंक वर्स की कर रही थी कि मार्लो ने ब्लैंक वर्स को फर्दर डेवलप किया था, और उसके डेवलपमेंट के बाद शेक्सपियर था जिसने इसको परफेक्शन की तरफ लेके गया था। अच्छा, इसके बाद ना इस एज का एक और पोइट है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त पोइट कंसिडर किया जाता है, उसका नाम है थॉमस सैकवाइल। ये जो है ना थॉमस सैकवाइल, ये वाइट और सरे की तरह ना चेयरफुल तो नहीं था, लेकिन ये उनसे सुपीरियर था अपनी पोइटिक टेक्निक के अंदर। इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है मिरर फॉर मजिस्ट्रेट। थॉमस सैकवाइल के अलावा जो इस एज के दूसरे इम्पोर्टेंट राइटर है वो है सर फिलिप सिडनी। ठीक है, राइटर मीन्स मैं भी बहुत पोइट की कर रही हूँ, ठीक है, तो हम पार्ट पोइट्री रहे हैं तो इट मीन्स हम पोइट्री की के जो पोइट्स हैं उनकी ही बात कर रहे हैं। ये ऐसे पोइट थे जिनके बारे में एलिजाबेथन क्वीन ने कहा था कि ही इज़ वन ऑफ द जेवल्स ऑफ हर क्राउन, और जब ये 23 ईयर्स के हुए थे ना तब कहा गया था इनके बारे में वन ऑफ द रैपेस्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द एज। इनके जो रिमार्केबल वर्क हैं, जो कि प्रोज वर्क्स हैं, वो है अर्काडिया और अपोलोजी फॉर पोइट्री। ये दो जो है ना इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क कंसिडर किए जाते हैं। अर्काडिया जो ये इमेजिनेटिव राइटिंग पे बेस करती है, जबकि अपोलोजी फॉर पोइट्री जो है ये फर्स्ट सीरीज थी जिसके अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट्रीज की थी, और वो सब की सब कमेंट्रीज जो थी वो इंग्लिश पोइट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव हुई थी। इसके अलावा अगर हम पोइट्री में इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो इनकी एक सीक्वेंस है सोनेट्स की जिसका नाम है एस्ट्रोफल एंड स्टेला। ये बहुत ही रिमार्केबल कंसिडर की जाती है, और इसका जो वर्क है एस्ट्रोफल एंड स्टेला ये इसी के अपने हिस्ट्री पे बेस करती है, यानी कि इसकी अपनी लव हिस्ट्री पे बेस करती है। अब सर फिलिप सिडनी के बाद बात करते हैं इस एज के सबसे रिमार्केबल पोइट की जिसका नाम है स्पेंसर। स्पेंसर की जो मोस्टली पोइट्री है ना वो नॉन ड्रामेटिक पोइट्री है। नॉन ड्रामेटिक पोइट्री उस पोइट्री को कहते हैं जो ज़्यादा एक्साइटिंग ना हो, लाइट इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करे। स्पेंसर जो अपनी राइटिंग अंदर एलेगरी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। एलेगरी कहते हैं ऐसी स्टोरी, ऐसी पोइम या ऐसी पिक्चर जो कुछ ऐसी चीज़ ना जो हिडन होती है ना वर्क के अंदर उसको रिवील करे, ठीक है, एक सिंबल की तरह की होती है। इसके अलावा स्पेंसर है ना डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ड्स यूज़ की थी जिसको हम लोग स्पेंसरियन स्टेंजा कहते हैं। इसके स्टेंजा की जो राइम्स की मैंने मीन्स टू से सोनेट की जो राइम्स की मैंने उस राइम्स उसकी राइम स्कीम ये है ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी ई ई, जिसके अंदर 3 क्वार्टरेन आते हैं और एक कपलेट आता है। कपलेट कहते हैं इसमें 2 का कपल बन जाए, क्वार्टरेन कहते हैं इसमें 4 आ जाएँ, क्वार्टर कहते हैं ना 4, तो क्वार्टरेन कहते हैं 4 को। इसकी इस सोनेट को ना हम लोग लिंकिंग सोनेट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो हर क्वार्टरेन है ना उसके अंदर लिंक बन रहा है। अगर इसमें बी आ रहा है तो नेक्स्ट में भी बी आ रहा है, इसमें सी आ रहा है तो नेक्स्ट में भी सी आ रहा है, ठीक है। इसको क्वार्टरेन कहते हैं जो कि आपस में लिंक्ड कर रही हैं, ठीक है, और साथ में एक कपलेट भी आ रहा है इनके। इसी बेस पे इनको ना हम लोग क्या कहते हैं, लिंकिंग सोनेट भी कहते हैं। यहाँ पे ये बी ख़त्म हो रहा है तो यहाँ बी से ही शुरू हो रहा है, यहाँ पे सी ख़त्म हो रहा है तो यहाँ सी से ही शुरू हो रहा है, तो इसी वजह से स्पेंसरियन सोनेट को लिंकिंग सोनेट भी कहते हैं। राइटर के जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उसमें आ जाता है हमारे पास द फेरी क्वीन, इसके अलावा शेपर्ड्स क्लेंडर, और इसके अलावा जो दूसरा वर्क है वो है एपिथेलेमियन। एपिथेलेमियन जो है ना इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल हाइम है। इसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसका नाम है एमोरिटी, जिसके अंदर इसके 88 सोनेट्स हैं। एडमंड स्पेंसर जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस अपने स्पेंसरियन स्टेंजा की बेस पे हुए थे। स्पेंसरियन स्टेंजा क्या होता है, वो स्टेंजा जो कि फर्स्ट टाइम सबसे पहले स्पेंसर ने खुद यूज़ किया हो, उसकी राइम स्कीम ये है ए बी ए बी बी सी बी सी सी, ठीक है, ये 9 है, और राइटर ने ये राइम स्कीम अपनी जो वर्क थी इसका द फेरी क्वीन उसके अंदर यूज़ किया था। तो ये सब कुछ था अबाउट एलिजाबेथन पोइट्री। और जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एलिजाबेथन एरा के अंदर वो है एक सर स्पेंसर,
फिर शेक्सपियर, फिर थॉमस एक्वायल, सर फिलिप सिडनी, ये सब इस टाइम पीरियड के सबसे इम्पोर्टेंट पोइट्स कंसीडर किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एलिजाबेथन प्रोज की। जो एलिजाबेथन प्रोज थे ना, वो अम्यूजमेंट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। इस टाइम पे प्रोज काफ़ी फेमस हुए क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का टाइम पीरियड था, प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, प्रिंटिंग प्रेस की बेस पे पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा प्रोज की। फिर जो बुक्स लिखी गई इस टाइम पीरियड पे, वो हिस्ट्री, ट्रैवल्स, एडवेंचर्स, ट्रांसलेशन ऑफ इटालियन स्टोरीज, इन सब के अबाउट लिखी गई। जो स्टाइल था इनका प्रोज का, वो था फ्लावरी वर्ड्स, पैट्रियोटिज्म, लव डेकोरेटिव मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्लावरी स्टाइल। मीन्स उसे ये बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव लैंग्वेज यूज़ किया करते थे अपनी राइटिंग के अंदर। और जो डेकोरेटिव लैंग्वेज यूज़ किया करते थे, ये स्टाइल जो थे जितने भी एलिजाबेथ टाइम पीरियड के लोग रहने वाले थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। इस टाइम पे दो प्रोज राइटर बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक थे सर फिलिप सिडनी और दूसरे थे लिली। फिलिप सिडनी की जो अर्काडिया थी बहुत फेमस हुई, और लिली की यूफियस बहुत फेमस हुई। लिली ने अपनी यूफियस के अंदर एंटीथेसिस का यूज़ किया, एलिट्रेशन का यूज़ किया, स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस दिए इसके अंदर, और नेचुरल एलियंस भी इसने प्रेजेंट किए इस वर्क में। और इस जो बुक था उसका पर्पस ये था कि जो कंट्री मैन है उसको सिखाए, एक जेंटलमैन को सिखाए हाउ टू लिव, ठीक है। फिर सिडनी की अर्काडिया की बात करते हैं, ये पेस्टोरल रोमांस की एग्जाम्पल है। इसके अंदर एक ही वर्ड को डिफरेंट सेंस में अगेन एंड अगेन यूज़ किया गया हुआ है। ये फुल ऑफ पैथेटिक फैलेसी की फॉर्म में लिखी गई है, जिसका मतलब यह कि एस्टैब्लिश किया जाए कनेक्शन बिटवीन द अपेयरेंस ऑफ नेचर विद द मोड ऑफ द आर्टिस्ट, ठीक है। इसके बाद जो दो दूसरे इंपॉर्टेंट जो राइटर्स थे इस टाइम पीरियड के अंदर, वो थे मैलरे जो है इनका इंपॉर्टेंट वर्क था मोर्टे द ऑथर, और नेक्स्ट थे हमारे पास हैक्यूलेट। हैक्यूलेट का जो इंपॉर्टेंट वर्ड था वो था वॉयज, वॉयजेस के अलावा और दूसरे ऐसे वक्त जो कि सी साइड के बारे में बात कर रहे हो, समुद्र के जो एडवेंचर होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हो, ये वक्त फेमस थे हैक्यूलेट के। तो ये सब कुछ था एलिजाबेथन प्रोज के साथ, और यहाँ पे इस लेक्चर के साथ हमारी जो एज थी वो भी कंप्लीट हो गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस एज के, वो है एक तो यूनिवर्सिटी विट्स का, एक है शेक्सपियर का, एक है मार्लो का, एक स्पेंसर का, और सारे इसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिजाबेथन ड्रामा, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इस लेक्चर को बनाने से पहले कुछ डिफरेंट लिटरेरी टर्म्स थी, कुछ डिफरेंट फॉर्म्स थे, जानरा थे जिनको मैंने कवर किया, जिसमें हमारे पास सोनेट आ जाता है, मीटर आ जाता है, ब्लैंक वर्ड्स आ जाता है, रिदम आ जाता है, इनको मैंने लेक्चर बनाए थे इस लेक्चर को बनाने से पहले, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में। तो उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप उन लिंक्स को भी देख लें, उन वीडियोस को भी देख लें, और प्रॉपर वे में इस पूरी एज की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लें, ताकि कोई भी आपसे रेनेसेंस एज के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको वो आता हो, क्योंकि ये एज थ्रू आउट द हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दुआओं में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।